और आज देश के लिए बड़ा दिन, हम पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर से आपके लिए तस्वीरें लेकर के आ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है तमाम जगहों पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए पुनीत मोहन लखनऊ से, साथ ही साथ जयेश प्रजापत जुड़ गए हमारे साथ अहमदाबाद से। सबसे पहले पुनीत मोहन, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ तस्वीरें आज आपने देखी वहां पर? सुबह से टीकाकरण शुरू हो गया, लखनऊ में पहला टीका किसको लगा और साथ ही साथ क्या स्थिति और तस्वीर बन रही है वहां पर? पुनीत देखिए, सीधे तौर पर लखनऊ में आज कोरोना वैक्सीन का प्रथम चरण था और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचे थे। वहां उन्होंने पूरा जायजा लिया और जो वहां के जो नर्स थी उनको पहला टीका लगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के मन में या फ्रंट लाइन में जो सफाई कर्मी है, डॉक्टर है, उनके मन में किसी तरह का डर ना लगे, इसलिए लखनऊ के जितने भी हॉस्पिटल है, वो PI मेडिकल कॉलेज है, बलरामपुर अस्पताल है, यहाँ के जो निदेशक है, इन्होंने भी अपना टीका लगवाया और लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर टीकाकरण से डरना नहीं है, वैक्सीन से डरना नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह बात करते हुए ये बात थी कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन अफवाहों पर ध्यान देना। आज कैसे का नंबर आएगा, नंबर से सबको टीका लगेगा। साथ ही अगर किसी तरीके का अफवाह बरसा जाता है, किसी तरह के मतदाता होती है, ध्यान रख देना है और लगातार सरकार अंतिम व्यक्ति तक टीकाकरण पहुंचे उसके लिए प्रयास और जैसे सबका नंबर आएगा अपने नंबर के अनुसार लोगों को टीका लगवाना है। जी पुनीत, हमारे साथ बने रहिए। जयेश प्रजापत हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद से। जयेश, क्या कुछ हाल और क्या कुछ तस्वीर अहमदाबाद में देखने के लिए मिली है? जयेश जी, मैं आपको बता दूँ, गुजरात यानी मोदी जी का वहां ग्राउंड में पहले से मोदी जी ने तबियत आज आए थे, तभी बोला था। आज भी पूरी तरह से मुझे नितिन पटेल जी ने सिविल अस्पताल में आके खुद आके जायजा किया किस तरह से कोरोना वैक्सीन लग रही है। सिविल अस्पताल जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे कोरोना रस्सी के और सबके जायजे पे रस्सी पर विजय रूपाणी ने बोला है कोई भी पार्टी के बैकग्राउंड में ना हो और सब रस्सी ले लीजिए, इस तरह की बात की गई थी। जी जयेश, और पुनीत मोहन हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। पुनीत, अभी तक मुझे लगता है कहीं से भी इस तरीके की खबरें नहीं आई, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, तमाम बातें की जा रही थी कि टीके के कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं, कई सारी नपुंसकता है, तमाम चीजें बताई जा रही थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं। क्या लखनऊ में जो टीकाकरण हुआ है वहां पर क्या किसी मरीज को या जिन लोगों को टीका लगा है, क्या कोई खबर लखनऊ से आ रही है कि किसी को भी किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई हो? पुनीत कि टीका नहीं लगवाना है, तमाम तरीके के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कोई भी शिकायत नहीं आई है। अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल के निदेशक हैं उन्होंने आगे बढ़कर के टीका लगवाया है, डॉक्टर्स हैं उन्होंने टीका लगवाया है और लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश करी है कि वैक्सीनेशन से डरना नहीं है, ये आम वैक्सीनेशन है जैसे भारत में पहले भी टीकाकरण होते रहे हैं। और मुख्यमंत्री भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी भी तरीके की अफवाह पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सरकार सबका रजिस्ट्रेशन कराएगी और सबको वैक्सीनेशन के तहत सबको वैक्सीन लगेगी। अगर ऐसा कोई मैसेज चलता है व्हाट्सएप में या किसी सोशल साइट पे कि वैक्सीन को लेकर के भगदड़ मच सकती है, ऐसी भी सरकार ने पूरी तैयारी करके रखी है, ऐसे मैसेजों पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों ने कोरोना के दौरान लॉकडाउन में सरकार का समर्थन किया, सरकार का साथ दिया था, उस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के भी लोग सरकार पर भरोसा रखें, वैक्सीन सबको लगेगी और वैक्सीन से किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है। अभी तक सुबह से जो टीकाकरण हुए हैं ऐसी कोई भी खबर लखनऊ से नहीं है कि किसी को टीका लगने के बाद उनकी स्थिति खराब हुई हो या उनको इलाज की जरूरत पड़ी हो। जी जी पुनीत हमारे साथ बने रही है। जयेश के पास चलते हैं अहमदाबाद। जयेश अहमदाबाद में, जयेश अहमदाबाद में क्या स्थिति है, क्या वहां पर भी इसी तरीके के कुछ मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं ताकि लोगों के मन में एक शंका पैदा की जा सके? हालांकि टीके की शुरुआत होने से पहले तमाम तरीके की बातें चल रही थी, तमाम जिसे कहते हैं ना मार्केट में तमाम तरीके की बातें फ्लोट हो रही थी कि नपुंसकता हो जाएगी, ये टीका अच्छा नहीं है, देश का बना हुआ टीका है, पता नहीं कितना कारगर होगा नहीं होगा। लेकिन ये तो आज गर्व की बात है कि स्वदेशी बना हुआ टीका जिसको ना केवल देश में जिसका उपयोग हो रहा बल्कि विदेश से भी उसकी मांग हुई है। जयेश तो जयेश तक हम, जयेश आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जयेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। यही सवाल पुनीत आपसे, आज कितना बड़ा ये लम्हा है
कि स्वदेशी बनी हुए टीके के उपयोग हो रहा है देश में और विदेश से भी इसकी मांग है। पुनीत, वैक्सीनेशन किया जा रहा है पहला चरण, सीधे तौर पर फ्रंट लाइन में जो लोग रहे हैं उनको टीका लग रहा है। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 317 केंद्र बनाए गए थे और 31,700 लोगों को शाम 5 बजे तक टीका लगना है। बीच में आधे घंटे का समय लंच का है, लेकिन अगर कहीं जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर 100 लोगों को टीका लगना है और अगर 100 लोगों को टीका लगने में देरी होती है तो 5 बजे के बाद भी वैक्सीनेशन का ये काम शुरू रहेगा। सरकार पहले चरण में जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, फ्रंट लाइन के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, डॉक्टर्स हो, सभी को टीका लगाना चाहती है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जो हॉस्पिटल है उनका जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही 21 टीमें यहाँ पर एक्टिव है राजधानी लखनऊ में जो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन पहुंचा रही है। हर 2 घंटे पर वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो अपनी रिपोर्ट, जो कोविड सेंटर बनाया गया है उसको रिपोर्ट बताएंगे कि आखिर किसी की कोई तबियत तो नहीं खराब हुई है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि किसी की भी टीकाकरण के बाद में तबियत खराब हुई हो। और सीधे तौर पर जिस तरीके की अफवाहें थी वो अफवाहें पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और मुख्यमंत्री के साथ साथ समस्त अधिकारी स्वयं अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर के मन में किसी तरीके का डर ना रखिए और किसी तरीके की भ्रम की स्थिति पैदा ना करिए, अफवाह पर ध्यान ना दीजिए। जी पुनीत, यूं तो सभी को पता है कि आज जो फर्स्ट ट्रायल है, ये जो आज पहला, ये जो आप कह सकते हो कि आज से शुरुआत हुई है इस अभियान की, इसमें तमाम जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, तमाम डॉक्टर्स हेल्प, उनके नर्सिंग स्टाफ, तमाम लोगों को आज टीका लगेगा। लेकिन फिर भी मैं बस सिर्फ एक ही बात जानना चाहती हूँ कि क्या किसी नेता ने भी टीका लगवाया है इस चीज के लिए, लोगों के मन से भय मिटाने के लिए और एक मैसेज समाज में देने के लिए कि आपको डरने की जरूरत नहीं, तमाम नेता या फिर किसी मंत्री ने लखनऊ में टीका लगवाया हो? पुनीत, देख आज किसी राजनेता ने टीका नहीं लगवाया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल मीडिया कर्मियों ने पूछा था क्या वो टीका लगवाएंगे, तो उनका साफ तौर पे कहना था जब उनका नंबर आएगा तो वो टीका जरूर लगवाएंगे। जिस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से साफ किया था कि वो बीजेपी का टीका है वो टीका नहीं लगवाएंगे, लेकिन किसी भी विपक्षी दल ने इस बात को नहीं कहा है और सभी राजनेता इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जब नंबर आएगा उनका वो टीका लगवाएंगे, क्योंकि ये टीका वैज्ञानिकों का है ना कि किसी राजनीतिक दल का। जी पुनीत, देखिए कितनी विडंबना, देखिए देश के लिए जितना बड़ा दिन है इतना भव्य इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में भी राजनीति तेज है, विपक्ष कहीं भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने से बच नहीं रहा है। पुनीत, देखिए सीधे तौर पर जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर एक बात कह रहे थे कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए अफवाह भी फैला सकते हैं, इस वैक्सीनेशन को लेकर के अफवाह फैला सकते हैं, आपको किसी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। सीधे तौर पर उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो वैक्सीनेशन को लेकर के पिछले कुछ दिनों से राजनीति कर रहे थे, अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से सफल वैक्सीन उत्तर प्रदेश में हो रही है, उत्तर प्रदेश के जितने भी केंद्र है जहां पर वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम चल रहा है, किसी भी तरीके की अभी कोई शिकायत नहीं आई है। और जिस तरीके की अफवाह एक सोशल मीडिया पर बनाई जा रही थी उस पर हालांकि सरकार नजर बनाए हुए थी, लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दे, अपना नंबर आने पर ही टीका लगवाएं, टीके के लिए किसी तरीके की भगदड़ ना मचाए, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा, 30 मिनट वहीं बैठना होगा, उसके बाद 10 दिन तक स्वास्थ्य विभाग की जो सेंटर है कोविड सेंटर वहां के कर्मचारी लगातार उसके संपर्क में रहेंगे फोन के माध्यम से और उस पर नजर बनाकर रखी जाएगी। जी जी पुनीत, अब हमारे साथ बने रहिए, हम वापस चलते हैं अहमदाबाद। जयेश हमारे साथ जुड़े हैं। जयेश, क्या अहमदाबाद में भी इसी तरीके की स्थितियां, लोगों के मन में भ्रम है, भ्रांति है? आपने बातचीत करी होगी, आप गए होंगे फील्ड में भी, आपने लोगों से बातचीत करी होगी जिनको टीका लगा है, कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या किसी में कोई भय दिखा, कुछ ऐसे लोग जो शायद बचते हुए नजर आए हों टीका लगवाने से? जयेश, आपको बता दूं क्या हुआ? जयेश आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी जयेश। जी मैं आपको बता दूं कि सुबह ही आज वैक्सीन का कार्यक्रम किया गया था, तभी मुख्यमंत्री ने बोला था कि कोई मैसेज या कोई अफवाहों पर ध्यान मत दे, टीका एकदम सुरक्षित है, कोई आर असर नहीं है और कोई दूसरी तरह से इसमें कोई असर आर असर होने वाली नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। यानी सभी लोग जिस तरह से नंबर आवे इसे तरह टीका करवा दे, यानी कोई अफवाह अब तक जो है। जी जयेश, तो तमाम जानकारी देते हुए जयेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन पुनीत, ये भी गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया इस वक्त जो हैं अखिलेश यादव,
वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम चीजें कहते हुए नजर आए थे कि मैं टीका नहीं लगवाऊंगा, ये पहले तो बीजेपी के नेता टीका लगवाएं, बीजेपी के मंत्री टीका लगवाएं, मैं बीजेपी के सरकार में टीका आया, मैं इसके ऊपर भरोसा कैसे कर लूं, मेरी पार्टी जब आएगी, जब हमारी सरकार बनेगी तब हम उसके ऊपर फ्री टीका देंगे तमाम प्रदेशवासियों को। इस तरीके की बातचीत हो भी इस नाजुक समय पर जब महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और उसके बाद ये कदम उठाया जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण कदम है। पुनीत, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयानबाजी करी थी, हालांकि जब उनके बयान की सब तरफ आलोचना होने लगी, यही विपक्षियों ने भी उनका साथ नहीं दिया और सीधे तौर पर उनके उस बयान पर उंगली उठने लगी, उस बात को क्लियर करने के लिए उन्होंने एक ट्वीट किया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने टीका बनाया है, वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अखिलेश की इस बयान की उत्तर प्रदेश में ही पूरे देश में आलोचना हो रही थी। हालांकि उसके बाद से वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने इस टीके को बनाया है और मेरी मांग है सरकार से कि जो भी अंतिम पायदान पर है उस व्यक्ति तक ये टीका पहुंचे, यानी कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक ये टीका पहुंचे, सरकार इसके लिए पूरा प्लान बनाए और सरकार हमको भी ये बताए कि आखिर देश के अंतिम व्यक्ति तक ये टीका कब तक पहुंचेगा, क्या प्लान है। हालांकि आज उस प्लान की शुरुआत हो चुकी है जिस प्लान की अखिलेश यादव बात कर रहे थे। आज पहले चरण में 31,700 फ्रंट लाइन के जो वर्कर्स हैं, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स, इनको टीका लग रहा है और ये चरण आगे और चलेगा। और सरकार की जो योजना है कि पहले चरण में कम से कम 9,00,000 लोगों को टीका लगाया जाए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है और विपक्षियों को अपने काम से जवाब दे रही है। जी, बहुत धन्यवाद पुनीत हमारे साथ जुड़ने का। जयेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, पुनीत मोहन लखनऊ से, जयेश हमारे साथ जुड़े थे अहमदाबाद से। पूरे देश से हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हालात है तमाम प्रदेशों में, तमाम शहरों में, और लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कि इस समय पर भी राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही।